नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस शेषवर्तक के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों आज तारीख है 9 अगस्त 9 अगस्त 2024, और जब भी 9 अगस्त की तारीख लोगों के दिलो दिमाग पर आती है तो उन्हें 1942 की अगस्त की क्रांति याद आती है, भारत छोड़ो आंदोलन याद आता है। लेकिन एनडीए छोड़ो आंदोलन किसी ने चलाया था, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन छोड़ो आंदोलन ने किसी ने शुरू किया था, भले ही उसका नाम एनडीए छोड़ो आंदोलन नहीं दिया था, लेकिन पूरा का पूरा लबो लबाब जो है सो एनडीए छोड़ो आंदोलन था। ठीक आज से 2 साल पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज ही के दिन एनडीए को टाटा बाय बाय कहकर के विपक्षी एकता का शंखनाद करने निकले थे, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ, वामपंथी दलों के साथ, यूं कहे कि संपूर्ण विपक्ष के साथ मिलकर के वैकल्पिक सरकार और वैकल्पिक राजनीतिक की दिशा में आगे कदम बढ़ाया था। यह अलग बात है कि कालचक्र का पहिया घुमा और उसके बाद नीतीश कुमार वापस फिर से एनडीए के साथ जाकर खड़े हो गए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार चुप हैं, और उनकी चुप्पी के ऊपर यदि आप गौर फरमाएं तो कई सारे संकेत मिलते हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार ने चुप्पी क्यों साधी है। जब भी नीतीश कुमार चुप होते हैं, राजनीतिक नेताओं के, राजनीतिक पंडितों के, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों के, यहां तक कि बिहार की आम जनता को भी कान खड़े हो जाने की नौबत आ जाती है कि नीतीश कुमार आखिर चुप क्यों हो गए, नीतीश कुमार कुछ बोल क्यों नहीं रहे। अगर ऐसे में नीतीश कुमार चुप है तो नरेंद्र मोदी के 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी अब नहीं है। अब जो नरेंद्र मोदी है वो 240 सांसद यानी बहुमत से करीब 32 आंकड़े कम आंकड़े वाले पार्टी के नेता हैं। नीतीश कुमार के, चंद्रबाबू नायडू की, एकनाथ शिंदे की बैसाखियों पर टिके हुए नरेंद्र मोदी की सरकार है, उन्हीं के ऊपर उनकी सरकार जमी हुई है। और अब ऐसे में जब नीतीश कुमार चुप्पी साधते हैं तो इस चुप्पी के कई सारे संकेत निकाले जा रहे हैं। इस पूरे चुप्पी के मायने को समझने के तो बहुत कुछ इससे समझ में आता है कि पर्दे के पीछे आखिर कौन सी पॉलिटिकल डील चल रही है, किस प्रकार के हालात में डील चल रहा है। और इन सारे तमाम सारे बातों को बताने से पहले उन सारे परिस्थितियों के ऊपर गौर करना बहुत जरूरी होता है कि आखिरकार कौन से ऐसे परिस्थिति उत्पन्न हो गई जिन परिस्थितियों में नीतीश कुमार के लिए फिलहाल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ एक एक दिन रहना कहीं ना कहीं भारी होते जा रहा है। आखिर यूं ही नीतीश कुमार चुप नहीं होते हैं, और चुप्पी केवल नीतीश कुमार की ही नहीं है। आप अगर ध्यान देंगे तो चुप्पी इस दौर में बहुतों नेताओं की, नीतीश कुमार की सरकार की है, उनकी व्यक्तिगत तौर पर जिस प्रकार से वो कदम आगे बढ़ाते हैं, बहुत ही सधे हुए अंदाज में वो कदम बढ़ाते जा रहा, उसको देखिए बहुत सारी चीजें सामने आ जाती है। संसद के भीतर वक्त बोर्ड वाली विधेयक के ऊपर जनता दल यूनाइटेड की सरकार का, नरेंद्र मोदी सरकार का समर्थन किया, जेडीयू ने समर्थन किया, 2 दिन पहले की बात है। और आज का नजारा अगर देखिएगा, बिहार के भीतर धार्मिक न्यास परिसर को तमाम मंदिरों का डेटा पहुंचाने का आदेश हर जिले के डीएम को सौंपा गया कि आखिर किस मंदिर के पास कितनी चल और अचल संपत्ति, कितनी जमीन है, कितने एकड़ जमीन बिहार के मंदिरों के पास पर है। यानी एक और नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा जो वक्त बोर्ड लाया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि वक्त बोर्ड की जमीनों का कुछ लोग कथित तौर पर बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने अपनी चाल चल दी यहीं पर, और साफ साफ उन्होंने एक साफ कर दिया कि जब मस्जिद की जमीन, जब मुसलमानों के वक्त बोर्ड की जमीन के ऊपर उसके रजिस्ट्रेशन के बाद, उसके आंकड़ों की जांच पड़ताल के बाद उसमें सुधार है, तो फिर मंदिर को क्यों छोड़ा जाए। दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए जो भी संपत्तियां हैं उसको कैसे छोड़ दिया जाए। धर्म निरपेक्ष राष्ट्र होने का मतलब यह नहीं होता किसी धर्म विशेष के खिलाफ टारगेट तरीके से एक्शन लिया जाए। एक आदेश आज का जो बहुत कुछ साफ करता है कि बिहार सरकार ने इस तरह के आदेश क्यों दिया। सबको पता है कि आदेश क्यों दिया, क्योंकि कल वक्त बोर्ड वाले आदेश पर जो है ना, कल सरकार को समर्थन किया था जेडीयू। आगे की परिस्थिति देखिए कैसे सुशासन बाबू और नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव, लालू यादव की पार्टी अंदर खाने जिस प्रकार से डील की बातें चल रही है, कथित तौर पे अंदर अंदर बातें जो चल रही, तो कभी भी पटाक्षेप होकर के सामने आ सकता है। उसके पीछे के पूरे खेल को, राजनीतिक खेल को समझने के लिए एक बात जानना बहुत जरूरी होता है कि आखिर इस दौर में तेजस्वी यादव क्यों चुप हैं। विधानसभा के सदस्य से सत्र से वो गायब रहते हैं, कहते हैं उनके स्वास्थ्य की दिक्कत है। लोग कहते हैं वो पटना पहुंचे हैं, बिहार पहुंचे तब भी उनकी सार्वजनिक तौर पर उपस्थिति नहीं दिखती, और जब दिखती है तब यही कहते हैं कि नीतीश कुमार सरकार को गिरा दे, नरेंद्र मोदी सरकार को गिरा दे, सरकार से बाहर आए। ये सारी चीजें आखिर इस दौर में क्यों रही, क्यों राष्ट्रीय जनता दल बहुत कैलकुलेटेड अंदाज में जनता दल यूनाइटेड पर, या यूं कहे ना के बराबर हमलावर है।
आखिर बीजेपी से भारतीय जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भाजपा के कथित सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल हमला पर देता है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ सामने ऊपर ही सॉफ्ट नजरिया अपनाता है। लोकसभा चुनाव में भी दिखा और अब भी दिख रहा है। किसी राजद के बड़े नेता का बयान आपने हाल में देखा हो जो नीतीश कुमार के ऊपर तंज कसता हो, और ऐसा भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को इस घटनाक्रम की भनक नहीं है कि नीतीश कुमार भी चुप हैं। वह अडानी के कार्यक्रम में नवादा पहुंच रहे, वहां कुछ कह नहीं रहे हैं। आखिर वो पटना के भीतर गंगा किनारे गंगा नदी के इलाकों का बाढ़ के मौसम में वो भ्रमण कर रहे थे कि क्या क्या परिस्थिति है, वहां पर भी वो कुछ नहीं बोलते हैं। आखिर नीतीश कुमार को बोलते आपने कब सुना? विधानसभा में गए, सदन के नेता है, बोलना उनकी मजबूरी थी, थोड़ा बोला, थोड़ा गुस्सा भी किए, बाकी वो कहाँ कुछ बोलते हैं, किस समारोह में बोलते हैं। कई बार तो पता ही नहीं चलता कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू सार्वजनिक मंच पर जा कहाँ रहे हैं, आखिर पहुंच कहाँ रहे हैं और किन मुद्दों पर अपनी जुबान खोल रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं। बहुत आश्चर्य की बात है कि नीतीश कुमार के आसपास जो विश्वस्त लोगों की जो टोली दिखती थी, खास करके राजनेताओं की, पॉलिटिशियंस की, उनकी पार्टी के नेताओं की, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी, संजय झा हैं जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और तमाम सारे दूसरे लोग, मतलब अशोक चौधरी, संभावी चौधरी जो समस्तीपुर के सांसद, जो संभावी चौधरी के पिता, न तो नवादा के कार्यक्रम में कोई थे, न ही पटना के भ्रमण वो कर रहे थे तब ना उनके साथ कोई थे। आखिर नीतीश कुमार के भूजा पार्टी जिसको कहा जाता है बिहार में, नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट के तौर पे जिसको जाना जाता है, वो लोग आजकल नीतीश कुमार के साथ ज्यादातर दिख नहीं रहे हैं। 2 सालों के भीतर संभवतः एक ऐसा पहला मौका होगा जब नीतीश कुमार के साथ संजय झा, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, इनमें से कोई भी व्यक्ति उनके आसपास नहीं दिखता। आखिर इसके पीछे कारण क्या है, परिस्थितियां ऐसी क्यों बनी हुई है, और इन तीनों को मोटे मोटे तौर पर अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यूनाइटेड के संबंधों को बनाए रखने की हिमायती, ऐसे में एक तरफ तेजस्वी यादव की चुप्पी, नीतीश कुमार की चुप्पी, और भूजा पार्टी के सदस्यों में एक को कार्यकारी अध्यक्ष बना करके दिल्ली भेजना, एक को रोज बरोज किसी बहाने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए विजय चौधरी को पार्टी कार्यालय भेजना, अशोक चौधरी को ज्यादातर मौके के ऊपर नीतीश कुमार के आसपास नहीं दिख पाना, आखिर ये पावर इक्वेशन जेडीयू के अंदर, जनता दल यूनाइटेड के अंदर चेंज होने का, एक बदलाव होने का एक संकेत दे रहा, आखिर भीतर भीतर हो क्या रहा है जनता दल यूनाइटेड के भीतर, आखिर ये गौर करने की जरूर चीजें हैं। इससे भी ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि पिछली बार 2022 के भीतर जब सत्ता परिवर्तन बिहार के भीतर हुआ था, तो उस सत्ता परिवर्तन के दौरान आखिर क्या क्या चीजें हुई थी, कौन कौन सी घटनाएं होती बिहार में, अगस्त में सत्ता परिवर्तन हुआ, यूको विपक्ष परिवर्तन हुआ, राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में आ गया और भाजपा विपक्ष में चली गई, उसके 2-3-4 महीने पहले से ऐसी कौन सी गतिविधि चल रही थी बिहार के भीतर, ईडी की कार्रवाई राजद नेता भोला यादव के खिलाफ और भी अन्य लोगों के खिलाफ, पटना के विश्वेश्वरैया भवन के भीतर आग लग जाना, और वहां पर जेडीयू से जुड़े हुए कुछ मंत्रालय भी थे जिसकी फाइलें जल करके राख हो गई, कहा यह भी गया, कुछ लोगों ने कहा पटना के विश्वस्त लोगों को माने तो कहा, उस दौरान ये कहा गया था कुछ फाइलें थी जिसको नष्ट कर दिया गया, सब कुछ हुआ, सबके आंखों के सामने हुआ ही खेला जो कुछ भी हो रहा था। अब ये हमें नहीं पता कि वो फाइल जलाने के लिए हुआ था या वाकई शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी थी, वो पटना के आम जनता बेहतर जानते, पटना के बिहार के लोग बेहतर जानते, बिहार के तमाम सारे लोग। सवाल दरअसल इस दौरान के ये है कि एक बार फिर से ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। आज ही की बात करते हैं, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले अमित कात्याल की 113 करोड़ रुपए की संपत्ति गुड़गांव से लेकर के मुंबई तक की ईडी ने जब्त किया। 70 एकड़ की करीब जमीनें उनकी है, 12-13 फ्लैटें हैं, तमाम सारे दूसरी संपत्तियां भी। 113 करोड़ रुपए की संपत्ति अमित कात्याल की जब्त की गई है, और जब्त संपत्ति की गई है, आगे क्या कुछ होता है ये तो समय आने वाले समय बताएंगे, लेकिन जो ईडी का तरीका है काम करने का, आज ही मनीष सिसोदिया का जमानत मिलती है, मनीष सिसोदिया बेल पर बाहर निकलते हैं 17 महीने जेल पर रह करके। अमित कात्याल को दरअसल अप्रूवर बनाने की कार्रवाई कर रही कि अमित कात्याल को अप्रूवर बना दिया जाए, सरकारी अप्रूवर बना करके फिर तेजस्वी यादव के खिलाफ बयान दे करके, बयान दिला करके यूं कहे कि तेजस्वी यादव को लैंडफॉर्ड जॉब के मामले में गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि लैंडफॉर्ड जॉब मामले में जो आरोप लगे हैं उनमें कुछ प्रॉपर्टीज एके इन्फोसिस्टम के लोगों के नाम आई, जो अमित कात्याल इन्फोसिस्टम पटना और आसपास के इलाकों के भीतर उस समय काम कर रहा था, और उसके बाद वो सारी संपत्तियां जो है, ज्यादातर संपत्तियां कहते हो लालू प्रसाद यादव के परिवार के अलग अलग सदस्यों के नाम ट्रांसफर कर दिए गए, इस तरह के आरोप है ईडी सीबीआई का।
तो इन परिस्थितियों के भीतर अचानक अमित कात्याल पर शिकंजा कसने का मतलब क्या होता है? सीधा सा मतलब यही होता है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को एक होने से रोकने की हर संभव प्रयास करना। एक और तेजस्वी यादव को डराया जाए कि अब अगर चाचा के साथ आप अगर गए तो फिर आपकी खैर नहीं है। ये कवायद इसलिए भी चल रही है और ये पूरे खेल के बीच एक और घटनाक्रम के ऊपर अगर बात करें तो वो घटनाक्रम दरअसल ये होता है कि असली खेल जो है राज्यसभा उपचुनाव को लेकर के चल रहा है। इतना तो तय ही माना जा रहा है कि अगर कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं सामने आया, जेडीयू की तरफ से कोई सरप्राइज भी दिया जा सकता है, लेकिन अगर कोई सरप्राइज यदि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से नहीं दिया गया तो राज्यसभा के उपचुनाव के भीतर दो नेताओं में से कोई एक नेता जाएगा। एक आईएएस से नेता बने मनीष वर्मा और वहीं दूसरे झारखंड के निर्दलीय विधायक जो कभी भारतीय जनता पार्टी के भीतर थे, भारतीय जनता पार्टी में होने के बावजूद सेक्युलर नेता माने जा रखते रहे हैं, वो अब जनता दल यूनाइटेड जेडीयू का हिस्सा बन चुके हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कहते हैं फूटी आंखें, उन्हें सुहाते सिटिंग मुख्यमंत्री रघुवर दास को हरा करके विधानसभा पहुंचे थे। तो ऐसे में सरयुग राय, जी हाँ, अब जनता दल यूनाइटेड का हिस्सा है, पहले वो बीजेपी में थे, तो चर्चा या तो सरयुग राय जाएंगे या मनीष वर्मा जाएंगे। मनीष वर्मा के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि एंटी बीजेपी बीएस स्टैंड वाले इस तरह के नेता माने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ, वो उनके साथ हिमायती नहीं माने जाते। सरयुग राय के बारे में कहा जाता है कि सरयुग राय यदि राज्यसभा भेजे गए जेडीयू की ओर से तो फिर सीधा सा मतलब यही होता है कि ये मोदी शाह को चिढ़ाने के लिए उठाया गया कदम, जनता दल यूनाइटेड के द्वारा उठाया गया कदम। वो वहां जाएंगे, रघुवर दास सरकार के समय के कथित भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सदन के पटल पर कुछ ऐसी भी बातें रखेंगे जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को चुनावी साल में झारखंड का चुनाव सर पर है वो काफी नुकसान पहुंचाएगा। तो ऐसे में ये देखना पड़ेगा कि आखिर इन्हीं दोनों में से कोई पहुंचता है राज्यसभा या फिर कोई तीसरा व्यक्ति जाता है। आखिर नीतीश कुमार के आसपास एक नई भुजा पार्टी लोग कह रहे हैं कि अस्तित्व में आते हुए नजर आ रही है, उसमें मनीष वर्मा भी शामिल हो सकते हैं, सरयुग राय भी हो सकते हैं, यानी एक नई किचन कैबिनेट का निर्माण बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार करते हुए दिख रहे हैं। रानी के पुराने किचन कैबिनेट के लोग भरोसेमंद बने रहेंगे लेकिन आमतौर पर भुजा पार्टी में नहीं दिखेंगे। तो ये सारे फैक्टर यदि एक ही जगह आप करके देखें तो एक और आरजेडी को ब्लैकमेल करने की कोशिश, अमित कात्याल के माध्यम से तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के अन्य परिवारों को डराने की कोशिश, और नीतीश कुमार की ऐसे में चुप्पी, वक्त बोर्ड पर समर्थन नीतीश कुमार के द्वारा, और अगले ही दिन बिहार के तमाम मंदिरों को आदेश, तमाम डीएम को आदेश देना कि तमाम मंदिर का डेटा और प्रॉपर्टी का विवरण धार्मिक न्याय परिषद इन बिहार सरकार को डाटा उपलब्ध कराया जाए। और इन तमाम सारे बातों के बीच जो सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण बातें जो तमाम सूत्रों के हवाले से निकल करके सामने आ रही है वो ये होता है कि शरद पवार और नीतीश कुमार की लगातार आपस में बातचीत चल रही है। शरद पवार और नीतीश कुमार की लगातार बात होने का मतलब बहुत कुछ साफ होता है इसके भीतर कि शरद पवार ही वो नेता हैं जिसके आसपास दोबारा नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के भीतर लाया जा सकता है। और नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन में आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है चंद्रबाबू नायडू पीछे नहीं रहेंगे, वो भी आएंगे। लेकिन सवाल है कि शरद पवार की जरूरत आखिर इस दौर में क्यों पड़ी है, गठबंधन की गांठ कहां पर फंसी हुई है कि आखिरकार एकाध अब तक नहीं हो पाया। 28 जनवरी को ये गठबंधन टूटा लालू यादव और नीतीश कुमार का, वहां पर कहां दिक्कतें थी, अब दोबारा जोड़ने की कोशिश में आखिर गांठ कहां पर फंसा हुआ है, इस गांठ को खोलने में कठिनाई हो रही है इस दौर में। तमाम तरह से ईडी के माध्यम से ब्लैकमेल की कोशिशें, कथित ब्लैकमेल की कोशिशें अपनी जगह रह सकती है, हो सकती है, लेकिन ऐसे में आखिर गांठ कहां फंसी हुई थी उस गांठ को समझने की कोशिश इस दौर में कीजिए। तो नीतीश कुमार का जो काम करने का तरीका जो है वो शासन कुशासन में दखल को बर्दाश्त नहीं करते। राष्ट्रीय जनता दल की आदत रही है कि शासन प्रशासन की डे टू डे रोजमर्रा के कामों में मुख्यमंत्री की अथॉरिटी को कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से जो है किसी न किसी तौर पर उनको कचोड़ने की कोशिश, उसको चैलेंज करने की कोशिश, उसको चुनौती देने की कोशिश। तो क्या राहुल गांधी इस तरह की गारंटी लेंगे, क्या शरद पवार इस बात की गारंटी लेंगे, ये दोनों लोग इस बात की गारंटी लेंगे कि अब लालू यादव या फिर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से शासन प्रशासन के भीतर नीतीश कुमार को कोई दिक्कतें नहीं होगी। एक ये मसला होता है बिहार की राजनीति के भीतर, और ये दूसरा मसला होता है क्या इंडिया गठबंधन के भीतर नीतीश कुमार को वही सम्मानजनक जगह मिलेगी जो पटना, बेंगलोर और मुंबई की बैठक तक मिल रही थी। दो बड़े सवाल हैं, और इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो सबके बीच आमतौर पर आ ही नहीं पाता है, वो मुद्दा दरअसल ये होता है कि आखिर
अंत में नीतीश कुमार लालू यादव साथ आना चाहते हैं तो फिर आखिर क्यों आना चाहते हैं? इसके पीछे क्या वजह है? आखिर भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर होते हैं, क्या प्रशांत किशोर के साथ जाकर के फिर एक बार नए चिराग मॉडल की पुनरावृत्ति करते हुए बिहार की 25 के विधानसभा चुनाव में करते हुए तो नहीं दिखेगी, जो चिराग पासवान के सहारे 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जो किया गया था? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि रुपौली के बाय इलेक्शन में ये हुआ था, जो जिनको बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं वो निर्दलीय शंकर सिंह के साथ चले जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी के वोटर पर नीतीश कुमार को भरोसा नहीं है। प्रशांत किशोर बिहार में कूद चुके हैं राजनीतिक में, इस फील्ड में जाति जनगणना हो चुकी है बिहार में, और नीतीश कुमार की दोनों डिमांड, चाहे विशेष राज दर्जे की मांग हो या फिर बढ़ाए गए आरक्षण को जिसको हाईकोर्ट ने रोक लगाया था, रद्द किया था, उसको नौवीं अनुसूची में डालने का मुद्दा हो, ये केंद्र सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार की बैसाखी पर टिके हुए केंद्र की सरकार, और इसके बावजूद नीतीश कुमार के दोनों डिमांड मानने के लिए जब तैयार नहीं है केंद्र सरकार के भीतर, न तो नरेंद्र मोदी, नहीं तो अमित शाह, नहीं निर्मला सीतारमण, कोई अगर इस दौर में तैयार नहीं होता तो फिर एक ऐसी परिस्थिति बनती हुई दिख रही है कि डिमांड नीतीश कुमार की पूरी होती हुई नहीं दिख रही है। दूसरे प्रशांत किशोर जब अगले चिराग मॉडल की तरह बिहार के राजनीति में एक डर दिख रहा है नीतीश कुमार को कि चिराग मॉडल की तरह ही प्रशांत किशोर फिर से 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रयोग करेंगे बीजेपी, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और जन स्वराज के खिलाफ बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में, चाहे समय से पहले हो या फिर समय पर हो, तो इन सारी परिस्थितियों में, दोनों परिस्थितियों के भीतर क्यों ना लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक कॉन्सोलिडेटेड वोट बैंक के साथ, एक बड़े वोट बैंक के साथ, एक मजबूत गठबंधन के साथ 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव की तरह चुनाव लड़ते हुए नजर आए, क्योंकि उस परिस्थिति में प्रशांत किशोर जो वोट काटेंगे स्वाभाविक सी बात है वो जेडीयू के हिस्से में तो भारतीय जनता पार्टी का वोट मिलना नहीं है, उसकी भरपाई आरजेडी के वोटों से होनी है। तो जो वोट वो काटेंगे 243 के बिहार विधानसभा के सीटों पर, तो यानी बीजेपी के कोर वोटर ही दोनों हिस्सों में जाएगी, चाहे वो बीजेपी के साथ जाए या प्रशांत किशोर के जन स्वराज पार्टी के साथ जाए। तो इस परिस्थितियों का अभी भरपूर फायदा उठाने के लिए ये बहुत बड़ी डील आखिर भीतर भीतर ही होने की बात चल रही है कि एक बहुत बड़ी डील किसी भी दिन सार्वजनिक रूप से बिहार के सामने आ सकती है। अंदर खाने डीलें चल रही है, बातें चल रही है, तभी ऐसे में अमित कात्याल को के ऊपर सिकंजा कसा जा रहा है, तभी नीतीश कुमार एक दिन वक्त वोट का भी समर्थन करते हैं और इन उस बिल का, मोदी सरकार का बिल का, और अगले ही दिन मंदिरों को भी तमाम अचल संपत्ति का ब्यौरा देने का आदेश भी जारी कर देते हैं। सब कुछ इस दौर में हो रहा है एक साथ, और इन सब के बीच कहीं कुछ भी नहीं बोल रहे नीतीश कुमार, एक शब्द नीतीश कुमार नहीं बोल रहे, आखिर चुप्पी साधे बैठे हैं, एकदम चुप्पी। ये भूल जाइए कि ललन सिंह संसद में क्या कहते हैं, ललन सिंह के बारे में सबको पता है कि जब नीतीश कुमार कह देते हैं कि बीजेपी के खिलाफ कहना है तो खुल करके बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, तब वो राजद के नजदीक होने का आरोप उन पर लगता है। जब तक वो सरकार में मंत्री है, जब तक उनको कहा नहीं जाए कि आप बोलना शुरू कर दीजिए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलना शुरू कीजिए, तब तक वो सरकार के पक्ष में बोलेंगे। बीच की जो एक रेखा है ना, वो ललन सिंह को वो नहीं आता है, बीच की में क्या करना है, यहाँ तक कि पार्टी नेतृत्व का जो आदेश होगा, इधर बोलना है पक्ष में बोलना है या विपक्ष में बोलना है, वो काम ललन सिंह करेंगे। तो इन तमाम सारी परिस्थितियों के भीतर आप साफ साफ दिखाई पड़ता है कि नीतीश कुमार की चुप्पी के मायने आखिर क्या है, इसके संकेत क्या है, तेजस्वी यादव के चुप्पी के पीछे का संकेत क्या है, अमित कात्याल पर ईडी की कार्रवाई का मायने क्या है, नीतीश कुमार के द्वारा मंदिरों को डेटा इकट्ठा करने का आदेश डीएमओ को देने का मायने उन परिस्थितियों में क्या है जब मस्जिदों के वक्त बोर्ड के मुद्दे पर भी नीतीश कुमार ने सरकार का समर्थन कर दिया। और इन सारी चीजों को समझने के बाद कोई भी बहुत ही आसानी से अंदाजा इस बात को लगा सकता है कि आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है, जिसका डर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को साफ साफ दिखाई दे रहा है, और जिस आशंका में सरकार ग्रसित है उस पर फाइनल पंच देने के लिए शरद पवार का नाम जो सामने आ रहा है कि वो मध्यस्थता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके यहाँ तो खुद महाराष्ट्र के भीतर चुनाव, उनको तो मध्यस्थता वहां करनी चाहिए थे उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर के। अब बिहार की परिस्थितियों में जो उनकी रुचि लेने की जो खबरें सूत्रों के हवाले से निकल करके सामने आ रही, वो अनायास नहीं है, चुप्पी बहुत कुछ संकेत देता है। देखते रहिए आगे आगे होता क्या है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।